नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रभा है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन MSWC है, प्रोफेशनल काउंसलर हूँ और दिल्ली महिला आयोग के प्रोजेक्ट में मैंने एज अ काउंसलर रेप क्राइसिस में काम किया है और चाइल्ड लाइन में भी 1098 उसमें भी एज अ काउंसलर काम किया है और अभी हाल ही मैंने AIWC ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस में भी एज अ काउंसलर ही काम किया है। और आज मैं आपके सामने स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल के द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ और अपना मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, मेरा इंट्रो वीडियो है ये। और एक अच्छा परिवार मुझे मिला है इसके माध्यम से और मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और मैं रजिस्टर्ड हो गई हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी या स्पॉन्सर आईडी बोल सकते हैं, 41498 है। और मैं फारूक भाई के आईडी से मैं ऐड हुई हूँ और मुझे खुशी है आप सबने मेरा बड़ा स्वागत किया, जितने भी मेंबर्स हैं, और मुझे अच्छा लगा। मुझे एक बड़ा परिवार मिला और अलग अलग स्टेट से हैं और ऐसी ऐसी जगहों से है जो हमारे अंदर एक क्रेज़ है। मैंने खेत देखे, कुछ लोगों ने खेत में वीडियो बनाई हैं, किसी ने पटाखे दिखाए जला करके, और मुझे अच्छा लगा और मैं भी आपके इस परिवार की एक मेंबर हूँ। और मैं 2016 से SPL ये चैनल देखती हुई आ रही थी। SP सर मैं अच्छे से उनको जानती हूँ, मतलब YouTube के माध्यम से। और जब एक रुपया था, क्योंकि मैं उस टाइम में थोड़ा एक ऐसे घटना से गुजरी थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने गुस्से में अपनी जॉब छोड़ दिया था। मैं चाइल्ड लाइन में थी उस टाइम पर, मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और मैं बस फ़ोन में लगी रहती थी। तो उस दौरान मैंने ये सब देखा लेकिन यकीन नहीं हुआ मुझे, और जब मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से अपनी वीडियोस डाल रही थी, कुछ मेरा अपना पर्सनल चैनल है जिसमें मेरा काम ही है अवेयरनेस करना। जो भी मुद्दा, अगर मेरे सामने कोई नया मुद्दा आता है और उसके क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कोई भी बात ऐसी अगर समाज में आती है तो मैं उसको जल्दी से स्टडी करके अवेयरनेस करती हूँ। तो मुझे लगा कि एक कहानी के माध्यम से मैं लोगों को समझा सकूँ, तो मेरे तो इंटरेस्ट तो मुझे था एक रुपए से भी, जब 1 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है और शायद मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों की आदत ही है कि हम लोग जो मेहनत करे बगैर हमें तो पैसा लगता है कि कमाया नहीं जा सकता, है ना। तो हमारे भी वही हालत थी, तो हम उस सोच से निकले हुए हैं जब फैक्ट्रीज़ में आदमी लोग काम कर रहे हैं, उनके कपड़े जब तक गंदे नहीं होंगे तब तक लगता है उन्होंने मेहनत नहीं करी और घर में कुछ आया नहीं, या फिर महिलाएं जाएंगी बाहर और बर्तन साफ़ करेंगी और इस तरीके से अपने अपने आप को संभालेंगी कि बेचारियों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहनत करी और ऐसे करके उन्होंने बच्चों को पाला पोसा है, पढ़ाई किया। तो हमें तो मेहनत करने की आदत है, सुबह जाना शाम को आना, यही है, हमें पता है बस इसी तरीके से पैसा मिलता है। लेकिन सचमुच मेरी लाइफ में ये चेंज हो, दूसरों के वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर पता चला भाई यही काम करना है, यही तो है काम, तो
तो बड़ी हैरानी हुई, मैसेज किया और फिर टीसी सर को भी उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया, लेकिन मैसेज करके थोड़ा सा हिम्मत करा और तो उनसे बातचीत हुई तो अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी वीडियोस जब भेजी मुझे तो मुझे फिर पूरा यकीन हो गया कि ये लोग तो किसी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, और 22 चैनल हैं, इतने लोगों का जुड़ना, अगर 70-80 लाख लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें तो नेचुरली है कि मेरे पास पैसे आएंगे, क्योंकि यही तो हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हमें, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कोई कॉमेडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम लोग भी उनको भी तो करते हैं, तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे को उठाएं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हम एक दूसरे को क्यों ना उठाएं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप मुझे सुनिए, मैं आपको सुनूँगी, और आप मुझे लाइक कीजिए, मैं आपको लाइक करूँगी। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मेरी आईडी से जुड़िए भी। जब तक दिए में तेल है तब तक वो जलेगा, लोग हमें भी तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक हम हैं। हमारे साथ क्या दुख हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, कोई हमें नहीं पूछेगा, लेकिन इसके माध्यम से मुझे मालूम है कि हमारे पास पैसा आता रहेगा। नीचे वाले लोग काम करेंगे तो भी हमें पैसा मिलेगा, तो रुकेगा नहीं। अगर मेरे दिए में तेल नहीं है तो दूसरों के में है, तो रोशनी मुझे भी मिलेगी। तो ये बात मुझे अच्छी लगी और मैं सबको, आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इससे जुड़िए और पैसा भी कमाइए और समाज सेवा भी कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी तो लगी होगी मुझे मालूम है, आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमको, हम एनकरेज होते हैं, है ना, और बूस्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।